कल से बच्चों की 3 दिन की छुट्टी है। वो बच्चों की 3 दिन की छुट्टी है? और नहीं तो क्या? ले, गया मेरा प्लान पानी में। अब ऐसे चुप चुप बैठ के ना अकेले में बड़बड़ ना करते रहो, जाओ ना लो। और आ सुनिए, गीजर ढंग से काम नहीं कर रहा, उसे चेक कर लीजिएगा नहाने से पहले। ओ यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। ओ माना कि स्वीटी जी बच्चों की माँ है, ओ लेकिन उससे पहले से मेरी बीवी है भाई। मैं अपनी बीवी को डेट पे ले जाना चाहता हूँ तो क्यों नहीं ले जा सकता? ओ बाबा जी, कोई आइडिया दो जी, प्लीज प्लीज। ओ यार लक्की, वैसे तो तेरा दिमाग बड़ा चलता है, अब क्यों नहीं चल रहा है भाई? हाँ जी पाजी। ओ यार लवली, ओ यार तू बच्चों का मामा है कि नहीं? बात क्या है पाजी? तू पहले मुझे एक बात बता, और तुझे कभी ऐसा नहीं लगता तुझे अपने भांजे भांजी को कहीं बाहर ले जाना चाहिए? हम्म, उनकी ऐश करानी चाहिए। हाँ जी, ताकि उनको भी लगे भाई उनका कोई मामा है, उनसे प्यार करता है भाई। क्या बात है पाजी, दी को डेट पे ले जाना आपने? ओ मतलब? मतलब मामा को मामा बना रहे हो, बात क्या है? ओ यार तूने पकड़ लिया। वो कल मैं स्वीटी जी को लंच पे डेट पे ले जाना चाहता हूँ, वो लेकिन बच्चों का स्कूल है ना, और उसने कमबख्त कल ही छुट्टी देनी थी यार। और तू तो जानता है यार, स्वीटी जी बच्चों को छोड़ के जाने वाली नहीं। वो यार इसलिए अगर तू कल ना बच्चों को कहीं बाहर ले जाए ना, तो मैं स्वीटी जी को लंच खिलाऊं यार। ओ कल के दिन ना मैंने स्वीटी जी को पहली बार आई लव यू कहा था। हाँ जी बिल्कुल समझ गया जी, आप ना कोई टेंशन ना लो, मैं कल सवेरे सवेरे आके ना बच्चों को यहीं ले जाऊंगा। हाँ, और फिर आप पीछे से आराम से बैठ के आई लव यू एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेना, ठीक है? थैंक यू यार, थैंक यू, आई लव यू। ये सब क्या है जी? हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स, फिक्स डिपॉजिट के डिटेल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, सब कुछ मैंने इसमें रख दिया है। ये एक कॉपी तुम रखो और एक कॉपी मैं लकी प्राची को दे दूंगा। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जी? शाम को भी आप जब बच्चों से बातें कर रहे थे ना, तब आपके चेहरे पे स्ट्रेस साफ दिखाई दे रही थी। इट्स ओके, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपने डाइट पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज शुरू कर दी है। देखना, 1 महीने के बाद जब आप टेस्ट करवाएंगे ना, तब सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आएंगे। मैं जानता हूँ जान, लेकिन मेरे ऑफिस में वो शर्मा जी हैं। शर्मा जी वही जिन्होंने पिछले ऑफिस की पार्टी में गाना लगाया था? हाँ, मेरी उम्र के हैं, बिल्कुल फिट थे, अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया, अब वो ICCU में है। इसका मतलब ये नहीं जीत के आप पैनिक करें, आप खामखा अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे। इट्स ओके, रिलैक्स कीजिए। कैसे रिलैक्स करूं जान, हमने शादी के बाद कितने प्लान्स बनाए थे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। कब होगा, कैसे होगा? सब हो जाएगा, सब हो रहा है। जल्दी क्या है? जल्दी क्या है, कहते कहते ही देर हो जाती है। रावी इस साल 10th स्टैंडर्ड पास कर लेगी, तो साल में राशि 10th स्टैंडर्ड पास कर लेगी। जब तक सनी 10th स्टैंडर्ड पास करेगा, पता नहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस कितनी होगी। अगर हम बच्चों को बाहर भेजना चाहेंगे तो कितना खर्चा आएगा? महंगाई इतनी जल्दी बढ़ रही है, ये घर भी तो हमारा नहीं है, हमें अपने घर की प्लानिंग भी करनी है। बस अब आप कुछ नहीं सोचेंगे, सब कुछ भूल कर अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए और सो जाइए। ले जाइए, चलिए। हमने रावी की शादी के लिए कुछ प्लानिंग नहीं की है। जीत सो जाइए प्लीज।
क्या 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 तू बच्चों को ले जाने आया है अकेले? कहाँ लेके जाएगा बच्चों को? और ये क्या अचानक मामा भांजे भांजियों के बीच का प्यार उमड़ रहा है? मुझे तुम लोगों की बातें कुछ समझ ही नहीं आती। दी ऐसा है ना, डॉली और मेरे बच्चे तो अपने हैं नहीं, तो मैं सोच रहा था कि इनके साथ ही उमड़ना है, और कहाँ उमड़ना। चल बकवास ना कर, तुझे पता है ना मैं अपने बच्चों को किसी के साथ नहीं छोड़ती। किसी के साथ नहीं छोड़ती मतलब? और लवली मामा हूँ, कंस मामा थोड़ी ना हूँ। शक की सुइयां मेरे पे घुमाई जा रहे हो। और घुमाने ले जा रहा हूँ, समझाओ ना पाजी। क्या 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 घुमाने ले जा रहा हूँ? जाने दो ना, प्लीज 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 प्लीज। वैसे भी आज हॉलीडे, घर बैठ के क्या करेंगे? एग्जैक्टली, आज हॉलीडे है, और हॉलीडे का होमवर्क कौन करेगा? तेरा प्यो। होमवर्क? ओ जाने दो भाई, एक दिन की बात है, बच्चे जरा पिकनिक पिकनिक कराएंगे। हाजी हाँ माँ, प्लीज जाने दो ना। प्लीज प्लीज प्लीज। आप ना रहने ही दो, आप तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे कौन बनेगा करोड़पति पर 5 करोड़ का सवाल पूछ लिया आपको है? रखो अपने बच्चे अपने पास ही, मैंने ना आगे से कभी आपको कुछ पूछना ही नहीं है। पढ़ाओ। चल चल नाटक मत कर, सेंटी मत मार। तुझे पता है ना जब मेरे बच्चों की बात आती है ना तो मैं कदम फूक फूक के रखती हूँ। अच्छा ठीक है, चल ले जा। लेकिन देख बच्चों को ना कुछ ऊट पटांग मत खिलाइयो तू, समझा? और हमेशा नजर के सामने रखियो, यहाँ वहाँ ना भागें। तुझे पता नहीं है जब ये मॉल में जाते हैं ना तो कभी इस दुकान में तो कभी उस दुकान में भागते ही रहते हैं। हाँ गधे हैं, मेरी नकल उतार रहा है तू। नहीं मैं बस इतना कह रहा था कि हमारे प्लान्स हमें खुद बनाने दो ना प्लीज। और सन्नी रावी राशि इकट्ठे सब जाएंगे, चिल्ड्रंस डे मनाएंगे हैं, मॉल शॉल घूमेंगे। चल मिल गई परमिशन, थैंक यू। और पिंकी मासी को भी फोन करना है, उनको सबको लिख के दे, फटाफट कर चल। अगर गोल गप्पे खाकर गिन्नी की टॉन्सिल्स वापस आए ना तब देखना आप, जब गिन्नी दर्द के मारे रोएगी ना तो आपको बिठाऊंगी उसके बगल में, देखना आप। अरे आप टेंशन मत लो, अगर रावि और राशि लड़ झगड़ रहे होंगे ना तो भी मैं उसका ध्यान रखूंगा। अरे आफ्टर ऑल मैं सनी का बिग ब्रदर हूँ। वेरी गुड बड़े भाई साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है नहीं खुद पर? अरे ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो होगा ही, मैं तो कह रहा हूँ रावि और राशि की भी टेंशन मत लो। मैं हर साल राखी में उन्हें यही तो प्रॉमिस करता हूँ, वरना 500 रुपए देने से कोई भाई थोड़ी बन जाता है। चिंता रहे बेटा, स्वीटी दी ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे। मैं अभी जाके बच्चों को तैयार करती हूँ, आ जा लेने। ओके ठीक है। बच्चों तैयार हो जाओ, लवली मामा आ रहे हैं लेने। MFI मासी फुल इंप्रेस, देख क्या रही है, चलना चेंज करते हैं। छेती करो, हमारी माँ के मूड बदलने में देर नहीं लगती। 2 मिनट में बातें बनाने में तो प्यो से 10 कदम आगे है। ओ बड़ा लवली काम की था तो यार लवली, थैंक यू। आपको भी लक्की डे, लक्की जी, एंजॉय। आवे आवे आ जाओ भी। ओ लवली सुन, देख बोल बक्सो माता जी सुन लिया मैंने। हाँ जी सब कुछ आ गया, आ जाओ आ जाओ छेती आओ। ले जा रहे, ध्यान रखना ना, बच्चे सुनते ना ये लवली सुनते सारे बिगड़ गए। देखो क्या हालत कर रखा है मेरे घर का इन बच्चों ने। गले को क्या हो गया जी? अदरक की चाय बनाऊं? ओ जी स्वीटी जी, अभी मैं सोच रहा था। ओ जी आप सोचते ही रहेंगे कि बोलेंगे भी कुछ? ओ जी मैं सोच रहा था कि बच्चे तो गए। वो तो मैंने देखा, अभी मेरे सामने गए। हाँ तो क्यों ना हम भी कहीं बाहर चले। बाहर? ओ जी ये ठीक है, आप ना मुझे सरोजनी नगर मार्केट लेकर चलो, वहां पर ना बेडशीट की सेल लगी हुई है, चल के ना बेडशीट ले आते हैं। ओ ना जी ना, ओ मेरा मतलब वो नहीं, ओ मेरा मतलब था क्यों ना हम दोनों कहीं लंच पे चले जी। लंच पे? अच्छा जी समझी, तो आपको मेरे हाथ के बने बॉइल्ड वेजिटेबल्स सैलेड्स हजम नहीं हो रहे, तो आपको वहां लंच पे जाना है और बंदूक मेरे कंधे पर रख के चलानी है। मैं सब समझती हूँ, मैं नहीं आने वाली आपकी झांसे में। ओ जी आपको क्या हो रहा है? ओ भाई मैं आपको डेट पे ले जाने की बोल रहा हूँ, डेट। डेट? जी डेट। हाँ भाई डेट। आप तो बड़ी जवान छा रही है। ओ क्यों नहीं छाएगी जी, मैं क्या बुढ़ा हो गया हूँ?
रहने दो डार्लिंग जी, मुझसे ना पूछो ये सवाल। ओ जी देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आखिरी। नहीं तो 12 बजे वैसे भी मेरी एक डेट है मिसेस प्रताप के साथ। क्या कहा जी, किसके साथ? ओ भाई, प्लॉट दिखाने जाना है, प्लॉट। ओ कोई जरूरत नहीं किसी को प्लॉट दिखाने की, हम बाहर चल रहे हैं। आप 15 मिनट वेट कीजिए, मैं 1 घंटे में तैयार होके आती हूँ। ओ थैंक यू जी, 15 मिनट को 1 घंटे में आती हूँ। मतलब बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया, वेरी गुड, टॉवल भी यही है। जी तो हूँ जा। ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स की डेट्स, पॉलिसी के पेपर्स, क्या हो गया है अजीत को? कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं? इसे कैसे चलेगा अजीत? आपके साथ साथ टेंशन में तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अजीत की सोच को बदलना पड़ेगा। ही कुछ करती हूँ, बच्चे भी शाम तक लौटेंगे, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जीत, लास्ट क्वार्टर के टारगेट अचीव करने ही होंगे, चाहे ओवरटाइम करना हो, वीकेंड्स में काम करना हो, व्हाटएवर। ओके ओके सर। क्या करूं? हेलो, बैंक मैनेजर शैलेश गुप्ता से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन? मैं भारत महिला आंदोलन समिति से लक्ष्मीबाई रानीवती बोल रही हूँ। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ, मना किया था ना आपको ये एड न्यूज़पेपर में डालने से। इस एड के जरिए आप क्या कर रहे हैं, औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वार्निंग दी थी, फिर भी आपने ये एड न्यूज़पेपर में दिया? क्या बोल रही हैं आप? क्या वार्निंग? किसने बोला था? अच्छा, तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तू वहीं पर बैठ शैलेश गुप्ता, मेरे कार्यकर्ता वहां आके तोड़फोड़ करेंगे ना, तब तेरी समझ में आ जाएगा। क्या बकवास कर रही है आप? ए गुप्ता, आवाज नीची रख। मैं बकवास कर रही हूँ? तू वेट कर वहीं पर, हम आ रहे हैं। अरे NDFC बैंक चलो, ये गुप्ता ऐसे नहीं मानने वाला। हेलो हेलो, आज मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, रास्ते से कुछ लाऊं। घर जल्दी क्यों जी? पता नहीं, बॉस ने छुट्टी दे दी, अपने कैबिन से निकले पसीने पसीने हो रहे थे और कहा कि आज ऑफिस जल्दी बंद करते हैं। उन्हें कुछ धमकी मिली कि ऑफिस में तोड़फोड़ होगी। ओह नो, तो बॉस ने पुलिस को तो फोन कर लिया है, लेकिन कहा है कि ऑफिस भी बंद कर देते हैं, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। ओके ठीक है जी, आ जाओ घर, बाय बाय। मुबारक हो पिंकी, ये राशि भी ना पक्का मुझ पर ही गई है। जी ये क्या,
इन्होंने तो अंदर ही जंगल बना रखा है। 5-star रेस्टोरेंट है, चले ऐसा अच्छा है ना जी? ओ जी अच्छा क्या है, पूरा जंगली जंगल है ये तो। सुनो जी, आज ना आपने कह डा दिया है, बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया के काजोल जैसे दिख रहे हो। ओ जी आप भी किस जमाने की फिल्म की बात कर रहे हैं, आजकल तो नई हीरोइनें आ गई हैं। वो आ गई होंगी जी, पर हमको तो वही जमाना और वही पिक्चर याद है जो हमने और आपने पहली बार देखी थी, विशाल में बालकनी इवनिंग शो, याद है? याद है जी। और आपको ये साड़ी याद है, 2 साल पहले रॉकी के बर्थडे पे ली थी, मैं तो ले ही नहीं रही थी, आपने जबरदस्ती दिलवाई थी। याद है जी, याद है। ऑर्डर। थोड़ा सांस तो लेने दे भाई, हैं? थैंक यू। अच्छा सर, पानी मिनरल वाटर या रेगुलर? तू जा, मैं बुलाता हूँ, जा। यहाँ आओ जी। ओ जी मैं कह रहा था थोड़ा वाइन शाइन पियोगे? ओ जी आप होश में तो हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा जमाना आ गया, मतलब एक पति अपनी पत्नी को शराब पीने को कह रहा है, आपको शर्म नहीं आती? ओ जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? ओ मैं तो बस थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था भाई। और मैंने देखा है आजकल की लड़कियां ना वाइन शाइन पीने लगी हैं। अच्छा जी, आप आजकल की लड़कियों को बड़ा देखने लगे? जी आप तो शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तो बस कह रहा था एक दिन के लिए ना हम दोनों भी थोड़ा मॉडर्न शॉर्डन होके देख लें। हाँ जी हो जाओ मॉडर्न, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब कौवा हंस की चाल चलने लगता है ना तो गिरता ही गिरता है। आज आप मॉडर्न बनोगे, कल आपके बच्चे मॉडर्न बनेंगे, और जब शराब पी के घर आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अरे वाह, तुम यहाँ और ऐसे? कैसी लग रही? बिल्कुल कॉलेज वाली पिंकी की तरह। सच? पता है 5 साल पुरानी जींस फट आ गई। अच्छा। आज आपकी छुट्टी जल्दी हो गई ना, और फिर बच्चे लवली के साथ बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो क्यों ना अपने पति को सरप्राइज किया जाए। वैसे सच सच बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? एक मिनट। अरे नहीं नहीं, ये तो लकी प्राची का एक फॉरवर्ड है। जीजा जी, वाह वो खुद भी इतने फॉरवर्ड हो गए। चल। थैंक यू। ओ सुनना भैया, 2 जलजीरा लेकर आ, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस नहीं होती। अच्छा जी एक बात बताओ, आज कौन सा खास दिन है? ओ जी है ही आज का दिन खास, मैंने अपने बच्चों को ना अपने निकम्मे भाई के साथ छोड़ रखा है, पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा होगा, पता करूं क्या मैं?
जी रुक जाओ। स्वीटी जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ओ जी, क्या लाए हो? स्वीटी जी, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.